रीपर की बात कर रहा हूं मैं। ये आपका इंटरफेस खुल गया है रीपर का। ये स्टिल एवोल्यूटिंग में जब आप क्लिक करोगे यहां पे, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये क्लिक करोगे तो ये वर्क करता है। ये आप देख सकते हो इसका पूरा इंटरफेस है। वर्चुअल मिडी कीबोर्ड का भी विंडो बना हुआ है और ऊपर टूल्स भी दिए हुए हैं। साइड में ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक और ऑडियो ट्रैक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और डबल क्लिक करेंगे आप तो इसका ट्रैक ऑटोमेटिकली खुलता है। यहाँ रिकॉर्ड का बटन दिया हुआ है, नीचे मिक्सर का पैनल है पूरा। जितने ट्रैक क्रिएट करेंगे उतने पैनल आएंगे। डबल क्लिक किया, ट्रैक क्रिएट हो गया। इनफाइनाइट है, कितने भी ट्रैक आप क्रिएट कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं। ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मिडी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ से आप ड्राइवर सेलेक्ट कर सकते हो, स्टीरियो चैनल सेलेक्ट कर सकते हो, मोनो चैनल, स्टीरियो चैनल, मिडी सेटिंग, ये सब आप कर सकते हो। और मॉनिटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, स्पीकर मॉनिटर। और ये आप जब इससे क्रिएट करोगे तो ये यहाँ पे पैनल खुलता है। इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट, VST इंस्ट्रूमेंट और इफेक्ट इसमें आते हैं। नीचे प्रेफरेंस में ये पूरा आपका दिया हुआ है, आप जैसे भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो ड्राइवर, मिडी, सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक मैंने क्रिएट किया और मैं एक फ्री VST इंस्ट्रूमेंट इंडियन ड्रीम्स का मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें सितार वगैरह सब दिए हुए, इसको आप आराम से बजा के क्रिएट कर सकते हो। ये डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है, मीडिया रिकॉर्ड होता है, डायरेक्ट रिकॉर्ड होगा इजीली। हाँ जी, ये आप और सुपर ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सबका। या देखा, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सबका। तो ये इस तरह से रिकॉर्ड होता है और इसको आप रेंडर कर सकते हो। फाइल पे जाएंगे सीधा, यहाँ से रेंडर, रेंडर पे यहाँ ऊपर सेलेक्ट करेंगे, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे, MP3 फाइल। इसमें लैम्प चाहिए होता है ड्राइवर, और वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ये वर्क करेगा। और वेब फाइल, AIFF फाइल, ये सब इसमें सेव कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है और फ्री में यूज कर सकते हो आप, ट्रायल वर्जन में यूज कर सकते हो आप, लाइसेंस भी परचेस कर सकते हो। कुछ महंगा नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और इसमें पूरा गाना आप क्रिएट कर सकते हो, म्यूजिक कंपोज कर सकते हो, अपने गाने रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं बता दूँ उनके लिए जो नए लोग हैं, नए टैलेंट हैं, कुछ करना चाहते हैं, म्यूजिक क्रिएट करना चाहते हैं, अपना गाना बनाना चाहते हैं, अपने गाने रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो सब आप इसमें आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, आप देखना वेबसाइट, ये फ्री डाउनलोड हो जाता है और 15-20 MB से